अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अरुषा का सलाम आपको यू आर कुकिंग कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से डिश पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाएंगे आज हम मेरे स्टाइल से। ये सबको बहुत पसंद होता है और स्पेशली हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने शिमला ली हैं, दो ऐसी लंबी लंबी खड़ी खड़ी सी मैंने कटिंग कर ली है। टमाटर भी मैंने एक लिया बड़ा रेड, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। ये हमारी है मोज़रेला चीज़, ये हमने ली है। और ये हमारी चिकन फ्ले के पीस लिए हैं मैंने, ये मैंने चिकन के फ्ले के पीस लिए हैं। और ये हमारा चिकन टिक्का का मसाला है, कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, गरम मसाला, चाट का मसाला है 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें सबको शामिल करेंगे। और ये मैंने दही लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हम टिक्के में डालेंगे। चलिए अब हम डालना शुरू स्टार्ट करते हैं। ये हमने लहसुन अदरक डाल दिया, ये हम सारे मसाले इसमें ऐड करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बचा लूँगी पिज़्ज़े पेपर से डालने के लिए। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी और चटपटा बनता है, मेरे स्टाइल से बनाइए आप। और ये हम दही भी इसमें ऐड कर देते हैं पूरा। और अब हम इसको मिक्स कर देते अच्छी तरीके से। ये देखिए चिकन पे हमने टिक्के का मसाला पूरा रेडी कर दिया, लगा दिया इसको। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको हम कढ़ाई में डाल के बनाएंगे। चलिए अब हम पिज़्ज़े की डो गूंदने चलते हैं। हमारा चिकन टिक्का रेडी हो गया, हमने इसको साइड पे कर दिया। ये हमारी पिज़्ज़े की डो बनानी है हमने। ये हमने मैदा लिया है 1 किलो। अब हम इसमें ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट ले रहे, बनी बनाई जो होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। ये इंस्टेंट ईस्ट लिए हैं हमने 5 टीस्पून। शुगर लिए हमने 2.5 से 3 टेबल स्पून। और सॉल्ट लिया है हमने 1.5 टीस्पून। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदे के अंदर। मैदा हमने वैसे छान लिया था। पानी हमेशा आपने ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, ना ज़्यादा ठंडा लेना, हमने नीम गर्म पानी लेना है, यानी कि वार्म वाटर। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से और फिर इसमें इसको हम गूंदना शुरू करते हैं। पिज़्ज़े की डो ही सारी चीज़ें, यानी पिज़्ज़े के अंदर सिर्फ डो ही होती है जो आप ज़बरदस्त बनाते हैं। पिज़्ज़ा की डो अच्छी होगी तो पिज़्ज़ा शानदार बनेगा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। और मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालूंगी, ना मैं मशरूम ऐड करूंगी और ना ही मैं ऑलिव डालूंगी, क्योंकि हमको एलर्जी भी है। बस नॉर्मल पिज़्ज़ा बना रही जो सब खा सकते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया सारी चीज़ें इसके अंदर, शुगर, सॉल्ट और ईस्ट। अब हम इसको गूंदना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। मैं लार्ज पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी, अब दिखाऊंगी आपको बना के, और मिनी पिज़्ज़े भी। ये लार्ज पिज़्ज़ा भी बनाएंगे और मिनी भी बनाएंगे। ये मेरा आज हमारा घर का डिनर है, ये ज़बरदस्त सा। थोड़ा सा हम इसमें घी भी ऐड कर रहे हैं, 1, 2, 4 से 5 टेबल स्पून। इससे पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनता है। इसकी डो को बहुत ज़्यादा गूंदना है आपने, अच्छी तरीके से इसकी डो को गूंदना है। ये डो के आटे को आपने बहुत अच्छी तरीके से गूंदना है। जितना अच्छी गूंदेगी ये, उतना ही पिज़्ज़ा हमारा सॉफ्ट और फूल जाएगा, ज़बरदस्त बनेगा। ये देखिए डो हमारी ज़बरदस्त सी होती जा रही है। देखिए
इसको ऐसे ऐसे करना है आपने। पूरी राउंड होगी इकट्ठी हो जाती है। ज़बरदस्ती राउंड होके इकट्ठी हो गई, देखिए इस तरीके से। ये हमारी पिज़्ज़े की डो रेडी हो गई है। अब हम इसको टाइट एयर टाइट से इसको बंद कर देंगे। रेडी हो गई पीज़ हमारी। अब पिज़्ज़े की डो रेडी हो गई। अब इसको हम ढक के कैप लगा के 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर जब ये 1 से 1.5 घंटा गुजर जाएगा इस पर हम ना पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है, मेरे स्टाइल से बनाइए। नॉर्मल है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ मैंने ऐड नहीं की। जो घर में चीज़ें होती हैं हम उसी चीज़ों से सब कुछ बनाते हैं। चलिए इसको 1.5 घंटे बाद हम निकालेंगे। अब हम चलते हैं पिज़्ज़े की सॉस की तरफ। हमने टिक्का बना लिया, चिकन टिक्का आप और पिज़्ज़े की डो रेडी कर दी। अब हम चलेंगे पिज़्ज़े की सॉस की तरफ। चलिए ये है पिज़्ज़े की सॉस। ये हमने टमाटर लिए थे 1/2 किलो, ये हमने ग्राइंड कर लिए हैं। और ये हमने लिया है टमाटर 1/2 किलो हमने ग्राइंड कर लिए थे। ये हमने प्याज ली है, चॉप कर ली है बारीक बारीक। ये हमने लिया है लहसुन, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। ये है ऑरिगानो और ये है थाइम, 1/1 टीस्पून हमने लिए हैं। चलिए अब हम इसकी पिज़्ज़े की सॉस बनाते हैं। बॉर्मेट पिज़्ज़े की सॉस बहुत टेस्टी बनती है, चलिए बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पहले हम सॉस बनाएंगे, फिर उसी सॉस के बाद हम अपना टिक्का तैयार कर लेंगे। जब तक हमारी जो डो है पिज़्ज़े की वो भी हमारी रेडी हो जाएगी। ये पिज़्ज़े की सॉस के लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। इस पर हमने 2 टेबल स्पून घी डाला है। अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। प्याज डालेंगे, प्याज लाइट ब्राउन होगी तो फिर हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी सौते हो गई है। हम बाकी चीज़ें बाकी सब इसमें ऐड कर रहे हैं, लहसुन और ऑरिगानो, थाइम और लहसुन ऑरिगानो थाइम हमने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। लहसुन ऑरिगानो थाइम डाल दिया भाई, पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर रहे हैं। कुटी मिर्च और गरम मसाला है और पिसी हुई काली मिर्च है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ये ज़रा सा सौते हो जाए तो फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। बहुत टेस्टी बनती है ये सॉस, हमें इस स्टाइल से बनाइए। सौते होने के बाद इसमें हम टमाटर का प्लब डाल देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था। गार्लिक ऑरिगानो और थाइम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस सॉस के अंदर, और पिज़्ज़े पे जाके तो और ही टेस्टी लगता है। 1 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। हमने टमाटर का फल भी इसमें ऐड कर दिया है। मिर्च आप सॉस में अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग तो स्पाइसी खाते हैं तो हमने थोड़ी सी कुटी मिर्च ज़्यादा कर दी है, ज़्यादा डाली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया। मिर्च नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सॉस बनती है, चटपटी है। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी चटपटी पिज़्ज़े की सॉस रेडी हो गई है। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। अब हम चलेंगे अपने टिक्के की तरफ। चिकन, ये देखिए हमारी पिज़्ज़े की सॉस रेडी हो चुकी है। कढ़ाई के अंदर हमने घी डाल दिया। अब इसके अंदर हम टिक्का डालेंगे जिसको हमने मसाला लगा के रखा था चिकन का। टिक्का इसमें डाल दिया है, चिकन का पूरा मसाला भी डाल दिया। अब इसको हम ढक के रखते हैं। जब हमारा तैयार होगा फिर आपको दिखाएंगे। डाल दिया है, अब हम इसको ढक के रखेंगे। डो का आटा हमारा रेडी होने वाला है, फिर हम आपको पिज़्ज़ा बना के दिखाते हैं। बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बनता है ये, आप मेरे स्टाइल से बनाइए। ये हमने ढक के रख दिया है। इसको दरमियानी यानी कि ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, हाई फ्लेम पर इसको नहीं रखना, नॉर्मल फ्लेम पर रखना है। ये हमारा हो रहा है, इसको दरमियानी फ्लेम पर रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। ये देखिए हमारा चिकन टिक्का रेडी हो रहा है। अब हमने तो ये आपको बताया नहीं कि हम पिज़्ज़ा बनाएंगे किस में। हम पिज़्ज़ा बनाएंगे अवन के अंदर, बहुत टेस्टी बनता है ये। चलिए ये देखिए हमारा टिक्का रेडी हो चुका हुआ है, ज़बरदस्त का कलर आया है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब चलेंगे हम पिज़्ज़े की तरफ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी टिक्का रेडी हो गया चिकन का। अब हम इसके रेशे करेंगे थोड़े मोटे मोटे से, और ये जो हमारा मसाला है ये हम इस सॉस के अंदर
ऐड करेंगे इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, टिक्का सॉस की तरह आता है, ज़बरदस्त सा टिक्का सॉस। ये हम अपनी टिक्के हम इस पर अपने शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमने सारे टिक्के प्लेट में शिफ्ट कर लिए हैं, बहुत मज़े के बने। वहाँ भी बैठ के देख रही हैं, जल्दी आप भी चखिए, चटपटा टिक्का बना है मज़ेदार। क्या मजे। अब ये मसाला जो हमने चिली की सॉस बनाई थी उसमें ऐड कर रहे हैं। चिकन टिक्के का जो मसाला बचा था वो हमने पिज़्ज़ा सॉस में ऐड कर दिया है, इससे और ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। ये देखिए इस तरीके से आपने रेशे करने हैं, जैसे हम महा ने किए हैं, दिखाइए। ये देखिए इस तरीके से पीसेस करने हैं, आप थोड़े से मोटे मोटे पिज़्ज़े के लिए। हमारे अब ये टिक्का चिकन टिक्का भी रेडी हो गया है, हमारी सॉस भी रेडी हो गई है। अब हम अपनी डो की तरफ चलते हैं पिज़्ज़े की, वो बहुत ज़्यादा फूल गई है, हम आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा राइस हो गई है वो, ज़बरदस्त सी। ये हमने अपना ओवन प्री हीट के लिए रख दिया है, हमारा ओवन जैसे ही हीटअप हो जाएगा हम इसमें अपना पिज़्ज़ा ऐड रखेंगे। इस तरह से आपने चीज़ को कश करना है इसके ऊपर। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पिज़्ज़े की चीज़ें सारी सेट हो चुकी हुई हैं, डेकोरेट हो चुकी हैं। देखिए हमारा ये है पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग की सारी चीज़ें डेकोरेट करने की। और ये हमारी चीज़ है, ये हमारा टिक्का है जो हमने इसको इस तरीके से मोटा मोटा कर लिया हुआ है। और ये हमारा सॉस है टिक्का सॉस, हमने टिक्के का भी मसाला इसमें ऐड कर दिया, बहुत टेस्टी और चटपटा हो गया ये। अब हमने डो की तरफ चल रहे हैं, ओवन हमारा प्री हीट हो रहा है। ये देखिए हमारी डो कितनी ज़बरदस्त सी हुई है, ये देखें डो का आटा कितना अच्छा हुआ है, माँ कह रही डो नहीं डो का आटा, ये देखिए कितना ये वाह यार स्पंची और ज़बरदस्त हो जाए, खाने खाने के लिए ज़बरदस्त बने हैं इसके, कितना ज़बरदस्त ये राइस हुआ है हमारा। चलिए अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और इसको हम पिज़्ज़ा की डो तैयार करते हैं इसकी, ज़बरदस्त सी। चलिए चलिए इसका पेड़े बनाते हैं। ये माशाल्लाह से इतने आटे में, हमारे 1 किलो आटे में 5 से 6 पिज़्ज़े तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा आज का डिनर है, हम डिनर में आज पिज़्ज़े खाएंगे। सबको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है हमारे घर में, चलिए आए बनाते हैं। ये हमारी पिज़्ज़े की ट्रे है, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, अब थोड़ी सी इसमें हम खुश्की डाल रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर होती है हाँ, ताकि ये चिपके ना, हमारा पिज़्ज़ा इसके ऊपर ज़बरदस्त सा बने। आपको भी इसी तरीके से करना है। चलिए अब हम इसका पेड़ा निकाल रहे हैं पिज़्ज़े का, जितना हमको चाहिए। ये हल्के हल्के हाथों से करेंगे, ज़बरदस्त बनता है ये, आमिर स्टाइल से बना के देखिए। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा इसको कर लिया। पहले हम आपको लंच बॉक्स की मिनी पिज़्ज़ा बना के दिखाएंगे, फिर हम आपको डिनर के लिए लार्ज पिज़्ज़ा बना के दिखाएंगे। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं लंच बॉक्स पिज़्ज़ा, लंच बॉक्स में अगर आप पिज़्ज़ा दें बच्चों को तो बड़े शौक से ये खाते हैं। ये देखिए इस तरीके से पिज़्ज़े तैयार होते जाएंगे, छोटे छोटे लंच बॉक्स के लिए।
इसको हम डिश में रखेंगे। अब दूसरा भी इसी तरीके से निकालते जाएंगे। बच्चे बहुत पसंद करते हैं मिनी पिज़्ज़ा। ये देखिए हमारे एक और मिनी पिज़्ज़ा निकल गया। आप इसको इस जो ये डो बची है इसको भी हम एक और बनाएंगे। इसको भी हम पिज़्ज़ा ट्रे में रखते हैं। ये देखिए हमारा लार्ज पिज़्ज़ा लार्ज पिज़्ज़ा भी हो गया है। इसको हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमने इसको इस पिज़्ज़े की ट्रे में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए आप ये दो हमारे मिनी हो गए, एक हमारा लार्ज हो गया। चलिए हम इसको डेकोरेट करके दिखाते हैं आपको। वैसे ये मिनी मुझे तीन बनाने थे, मैं एक तीसरा भी बना लेती हूँ। हमारे जो भतीजा भतीजी वो तीन है तो वो एक बोलेंगे कि मेरा गाय। चलिए मैं एक और बना लेती हूँ। ये देखिए हमारे तीन पिज़्ज़े हो गए हैं मिनी। इसी तरीके से हमने पिज़्ज़ा ट्रे में रखने गैप गैप से, क्योंकि अभी ये फूलेंगे। ये देखिए मैंने इसमें तीनों पिज़्ज़े रख दिए पिज़्ज़ा ट्रे में, और गैप गैप से रखिएगा आप, ये भी फूलेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। चलिए इसको अब डेकोरेट करते हैं। और पिज़्ज़े के अंदर इसको हमेशा ऐसे कट लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि अंदर तक ये पक जाए। ये हमारा लार्ज पिज़्ज़ा है, ऐसे आपको कट लगाने हैं इसके अंदर फोक से। इस तरीके से हमने फोक से कट लगा ली। चलिए हम सॉस लगाते हैं इस पर। चलिए अब हम डेकोरेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत बेचैन हो रहे हैं, खुशबू से इनका दिमाग ख़राब हो रहा है। जंबो बोतल भी आ गई है, तीन तीन बोतलें लेकर आ चुके हुए हैं, और भाई खड़े हुए हैं, आप ये लोग सब्र नहीं करने वाले हैं। चलिए हम जल्दी से करते हैं भाई। महा जल्दी से स्पून ला दें, ब्रश ला ले आइए पिज़्ज़े का। नहीं मिल रहा क्या पिज़्ज़े का ब्रश? नहीं मिल रहा? चलिए भाई अब हम स्पून से ही शुरू हो जाते हैं आपको जल्दी जल्दी करने के लिए, क्योंकि अभी हमें धमाल होने वाला है अगर पिज़्ज़ा टाइम पे नहीं मिलेगा तो डिनर के लिए। ये देखिए क्या ज़बरदस्त की खुशबू और क्या मसाला बना है, मैं आपको क्या बताऊँ। टिक्का फ्लेवर सॉस हो गई है ये ज़बरदस्त सी। हमने इसमें टिक्के का मसाला भी ऐड कर लिया था। इसी तरीके से आपने पूरा इसको डेकोरेट करना है। ये हमारा लार्ज पिज़्ज़ा है, देखिए सॉस हमने लगाई भर भर के इसके अंदर। जितनी हम भर भर के सॉस लगाएंगे मुझसे तो बन भी नहीं रहा, ये दिल चाह रहा है वैसे ही खा जाऊँ। तो ये बहुत चटपटा सा और टेस्टी बनेगा। ये देखिए आप बहुत स्पाइसी बना है भाई, शक्ल से ही लग रहा। चलिए ये हो गया, अब हम इसके अंदर चिकन की ऐड करेंगे, टिक्के वाली चिकन टिक्का ऐड करेंगे जो हमने पीसेस करके रखा हुआ था। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे। भर भर के हम ऐड करेंगे इसके अंदर। शिमला डालेंगे, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ हम लोग इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस नॉर्मल डालते हैं, ज़्यादा हम चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हमारे घर में, बस नॉर्मल। हैवी हो गया तो हम मोटे हो जाएंगे, तो हम ये हो जाएंगे, तो इसी तरीके से हम कम चीज़ यूज़ करते हैं। बहुत नखरे हैं हमारे घर वालों के। आप मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगा ये पिज़्ज़ा, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये, मैं आपको बता नहीं सकती। एक एक चीज़ मैंने आपको डेकोरेट करके बताई है। ये देखिए आप थोड़ी शिमला और ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी चीज़ और डाल देते हैं ऊपर से।
चलो ये हमारा लार्ज पिज़्ज़ा हो गया, अब इसमें हम ऑरेगानो डालेंगे, थोड़ा थाइम डालेंगे। देखिए ज़बरदस्त, ये देखिए हमारा लार्ज पिज़्ज़ा हो गया। अब इसकी अवन की तरफ जाने वाला है। अब पहले हम मिनी भी तैयार कर लेते हैं। ये हमारे हैं व्यूअर्स मिनी पिज़्ज़ा, ये बच्चों के लिए हैं स्पेशली, आप अपने बच्चों को बना के खिलाइए, बच्चे आपको याद करते रह जाएंगे। थोड़ा सा स्पाइसेस कम कर दीजिएगा छोटे बच्चों को, अगर आपके छोटे बच्चे स्पाइसेस खाते हैं तो थोड़ा सा ये चटपटा भी खा सकते हैं। फिर ये मेरी सिस्टर है महा, बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया है। और मेरी मामा भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, उन्होंने भी मुझे ये बताया। हमारे कोई हम ओवर एक्टिंग नहीं करते, हम लोग जो रियल होता है हम वही आपको बताते हैं। हम आपको रियल साउंड भी सुनाते हैं, अगर भाई पीछे से आ जाए हम उनकी आवाज़ भी सुनाते हैं, पीछे बैक की आवाज़ें हैं हम वो भी सुनाते हैं। क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि सब कुछ हम आपको रियल बताएंगे, इसमें नो ओवर एक्टिंग, कोई ओवर एक्टिंग नहीं होगी, जो हो रहा है वो ही बताएंगे। क्योंकि हमारी मामा कहती हैं जो भी आप पकाते हो, आप कुछ सब कुछ कर रहे हो रियल रियल, वही सब कुछ आप बताओ, कोई भी चीज़ नहीं छुपाओ। तो हम भी नहीं छुपा रहे, हम भी बता दे रहे हैं आपको। हमारी सॉस लग गई, अब बाकी चीज़ें सेट करते हैं। ये देखिए हमारा मिनी पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका हुआ है भतीजा भतीजी के लिए। ये देखिए हम इसमें ऑरेगानो और थाइम ऐड कर रहे हैं। बहुत दिनों दिनों में आते हैं ये। चलिए ये देखिए हमारा लार्ज और ये हमारे मिनी पिज़्ज़ा। अब ये अमन जब मैं जाने के लिए तैयार हैं, मिनी पिज़्ज़ा में हमने चीज़ नहीं डाली है वो हम ऐड कर देते हैं, डालना भूल गए। चीज़ खींच रही है हमारी। ठीक है ये देखिए चीज़ हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ये चीज़ ज़बरदस्ती डल चुकी हुई है। अब हम चलेंगे ओवन की तरफ। ये देखिए मिनी पिज़्ज़ा भी हो गया, लार्ज पिज़्ज़ा भी हो गया। अब हम चलेंगे, ये हमारा लार्ज पिज़्ज़ा हो गया है, लार्ज पिज़्ज़ा हो गया हमारा ये मिनी पिज़्ज़ा। चलिए ओवन की तरफ चलते, ये हम अपना पिज़्ज़ा रख रहे हैं ओवन के अंदर, मिनी पिज़्ज़ा भी रख रहे हैं, लार्ज रख दिया मिनी हम इसके ऊपर रखेंगे। चलो अब 15 मिनट के बाद हम आपको दिखाएंगे, 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पिज़्ज़े हो गए हैं, अब हम इसमें से महा बाहर निकाल रही हैं, इसको जल्दी निकालिए, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, सब वो हो रहे हैं। पहले लार्ज वाले निकाल के दिखाएंगे, दिखाइए महा कैसा बना है। सुपर। और अब इसके बाद हम निकाल रहे हैं जो हमने लंच बॉक्स के लिए बनाए थे। वाओ ये लो, ये देखिए भाई बहुत गर्म हो रहा है। ये हमारा लार्ज पिज़्ज़ा है, ये हमारे लंच बॉक्स पिज़्ज़ा है, रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी कटिंग करके। ये देखिए हमारा लार्ज पिज़्ज़ा है, ये ज़बरदस्त सा मिनी को काट लेंगे। और ये हमारा मिनी है, दूसरा अब हम इसको सेट करते हैं डिश में निकाल के। ये देखिए ये हमारा मिनी पिज़्ज़ा है, ज़बरदस्त चटपटा चिकन टिक्का मिनी पिज़्ज़ा। और ये हमारा लार्ज पिज़्ज़ा है, थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब इसको कटिंग की है हमने इस तरीके से, और गर्म भी बहुत हो रहा है। ये देखिए अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। मेरे दीदों के वहाँ बैठी हूँ, कह रही पहले मैं खाऊंगी। मैं हाँ भी खाएं, इतना टेस्टी ये बना है, चटपटा ज़बरदस्त ना, ज़बरदस्त और टेस्टी ये बना है टिक्का पिज़्ज़ा, मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरे रेसिपी से जाइए, जल्दी से जाके अपने घर वालों को खिलाइए, और साथ ये पिज़्ज़ा सॉस, इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हुआ है,
क्योंकि हमने इसके अंदर टिक्के का मसाला भी ऐड कर दिया था जो बचा था हमारी चिकन का। तो ये बहुत ज़बरदस्त चेंज टेस्ट का बना है। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और ये मिनी पिज़्ज़ा बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा मेरे स्टाइल से, लंच बॉक्स में रख के, वो बहुत पसंद करेंगे और शौक से खाएंगे। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी शेयर करें पिज़्ज़े की कैसी लगी, ज़बरदस्त सी। अच्छा मैं चलती हूँ, जल्दी से डिनर करना है हम लोगों को, अभी और भी पिज़्ज़ा बनाने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।